केंद्र आर्मी रिक्रूटमेंट नूतनंगा प्रवेशपेट्टिन अग्निपथ्ను व्यतिरेकिस्तू नगरंलो युवकुलु आंदोलनकु दिगारु। सికింద్రాబాద్ रैल्वे स्टेशन वद्द परिस्थिति उद्रिक्तंगा मारिंदि। अग्निपथ్ मंटलु तेलंगाणनु सैतं ताकायि। बस्सुलपै विद्यार्थी संघालु कार्यकर्तलु युवकुलु आर्मी रिक्रूटमेंट अभ्यर्थुलु रालु रुव्वारु। रेंडु बोगेलकु निप्पु पेट्टारु। मोदटि मूडु प्लाट्फाम्ललो उद्रिक्तंगा मारिंदि। ई मूडु प्लाट्फाम्लनु पूर्तिगा ध्वंसं चेशारु। అడిలిపోల్ తమ్ముడు పోలీసుల తరిగా ఏయ్ అదొద్దు తమ్ముడు మాదరా బాబు మా తమ్ముడు टीनेजर्स अनएंप्लॉयमेंट एज लिमिट को पेटीन चूस आड़ वाल स्कीम मैं 21 17 टू 21 युवा के हिसाब से गलत है और एक्चुअली में गलत है। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको आईटी सेक्टर में देंगे तो हम क्या करेंगे? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं? हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से और उसका एग्जाम एक बैक आकर कैंसिल कर दिए। 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे कल लेंगे आज लेंगे कल लेंगे, कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? हमने दौड़ा है, मेडिकल दिया है, पूरा हमारे पास प्रूफ है, फिर हम कैंसिल कैसे हो गया? पूरा हम युवा के सामने दौड़े हैं सर। हमारी एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए क्योंकि जो पहले का स्कीम था वही हमारे लिए सबसे बेटर है सर। हम बहुत मेहनत करके आए हैं और यहाँ पे जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लगी तब तक पूरा देश जलेगा और सरकार दिखेगी।